योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी युद्ध भी लगातार जारी है। उपचुनाव को लेकर दोनों तरफ से हमले और तेज हो रहे हैं। बार बार कहता हूं, ये लाल टोपी काले कारनामे, इसको पनपने मत दीजिए। उत्तर प्रदेश को ये लोग फिर से जो विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके सुरक्षा और समृद्धि का एक मानक तय कर रहा है, यह फिर से उत्तर प्रदेश को अराजकता की ओर धकेल देगा। कहता हूं कि कांग्रेस जब भी सफल होगी, आपको विभाजित करके सफल होगी। अब इसीलिए मैं कहता हूं, बटिए मत, बटे थे तो कटे थे। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ये देश का इतिहास बताता है, बटे थे। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जितने वो सरकार में रह चुके हैं। इसी वजह से आप देखते होंगे उनकी भाषा बदल गई है, उनको सोचने समझने का तरीका भी बदल गया है। और सच्चाई तो ये है कि मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। जिन्होंने खुद के ऊपर सच्चे मुकदमे हटवाए हों और दूसरों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए हों, वो जितना कम बोलेंगे उतना ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी। नेताजी श्री मुलायम सिंह जी को अवश्य कष्ट हो रहा होगा कि मेरे कैसे सपूत ने समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की गिरवी रख करके पूरी पार्टी को ही सत्यानाश करने में उतारू हो गया है। जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं वो कैसे योगी हैं। संतों में भी झगड़ा कराने का काम अगर कोई कर रहा है तो सरकार के लोग मिलकर के करवा रहे हैं। हमारे यहां कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है, ये हमारी परंपरा रही है जो हम लोगों ने सीखी और समझी है और जानी है, कि हमारे यहां कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए, इसलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। यहां तो सब उल्टा ही है, इनकी योग्यता की परीक्षा करवानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह के भाषा इस्तेमाल हो रही है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी योग्यता के बारे में भी हमें और आपको जानना चाहिए। और व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है।